come in the khaj मैं कौन दीदी प्लीज कम बेटा हम क्यों बैठेंगे भाई जब वो लोग नहीं बोल रहे मैं तो नहीं बुलाया बाहर चलो अच्छे पूछा जाता है तब आया जाता हाँ प्लीज कम पूछो बोलो पूछ बोलो आई कम इन बोलो मे आई कम इन दी Yes. इसका मतलब जानती हूँ क्या होता है इसका मतलब होता मैं है क्वेश्चन लिखने के लिए बस एक पेपर क्वेश्चन बस लिखना है इसको आंसर आंसर कॉपी में करना है तुम बोलोगे ना कि दीदी कॉपी दोगे तब तो उतार देंगे क्वेश्चन उतारो इसके आंसर बस करना अपनी कॉपी में चलो स्टार्ट हो जाओ दीदी यहाँ से दिखाएंगे देर कितनी दीदी आज जल्दी करो टाइम तुम्हें सिर्फ 50 मिनट मिलेंगे क्या 50 मिनट अजीत कितना टाइम हो रहा है उसमें कोई पक्का नहीं दी दो पेज का भी दे सकते हैं देखो क्या वह एक तेज लड़का है इंग्लिश में सेंटेंस करो उसको संज्ञा करो दूसरा क्या वह क्या तुम लोग जी संज्ञा के भेज दे दो इनको चालाक हो मेरे पास है बस ये तुम्हारा दो मार्क्स का चलो ये दो इनको जी व्याकरण दे दो व्याकरण व्याकरण अब शांत रहे वजीर में हाल डाउन होने वाली है बस मेरे को इसी की दिक्कत हो रही है सेंटेंस की इतना सबसे इजी चीज मंस ने ये हो जाएगा अब ना ये गलत हो जाएगा पिछली बार मैंने दिया था दी छे होते हैं छे नंबर में बारह होते हैं चलो ज्यादा ही हो रहा है मगर पांचवा नंबर बढ़ा दो अरे दी इस नंबर का कर दो फाइंड मीन मीडियन मोड बेहद मीन मीडियन मोड एंड बुक से भी दे दो अभी तो आप पूरा टूट जाओगे मैथ मैथ ये क्वेश्चन है ये सब मैथ ये बस देखने इसमें ये वाला हो गया ऊपर का हो गया ना मिटा दो एक मिनट हां ऊपर का मिटा दो चौथा मत पहला क्या है 8 5 बस एक गिनती मत मिटाओ नीचे का भी नहीं दे रहा लाइट जल्दी जल्दी स्पीड में एकदम 8 5 9 20 5 6 8 ये तुम्हारा पहला था 20 और दूसरा क्वेश्चन कितने मीन मीडियन मोड का दूसरा क्वेश्चन और मीन मीडियन मोड का कितने मार्क्स का पहली बात तो मूड नहीं होता मोड होता है मुझे भी बुलवा देंगे मूड मूड करके मोड से मूड बनाएगा 12 15 बटे 10 मंथ नेम ठीक है 12 बटे 7 5 मेन मीडियम मोड कितने का है 10 मार्क्स का है ये पांच नंबर दे दो तीनों तीनों निकालना है ना मेन मीडियम मोड तीनों तीनों निकालना है और ट्रांसलेशन दे मार्क्स दिया तो था उसपे दो मार्क्स का था मार्क्स साथ साथ में लिख लेना इसलिए लिख के देना हो गया दीदी फुल में तो फुल ले मेरे मुश्किल से इसमें पांच छह हो गए ये खत्म एक मिनट एक मिनट मिटा दो एक मिनट नहीं ऊपर का मिट बस एक मिनट 12 15 डैडी के साथ दिखाना यार जिनके ना सारा मिक्स दे रही हूँ जितना करा रखे ना सब और कूटेंगे अच्छे तरह अच्छे तरह से कूटे जाएंगे मंडे को आज नहीं कूटेंगे मतलब इतना भी दिमाग दे देना कि जान मुझके मतलब हम लोग कर ही ना पाए इतने टाइम में आस पास के दिखने वाले 10 शब्दों के नाम क्या क्या दीदी 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 साइंस बिल्कुल नहीं आता ना दीदी एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर मतलब क्या स्ट्रक्चर बनाना है जो बताया था कौन सी लेयर में क्या उड़ता है क्या होता है तो सिर्फ स्ट्रक्चर
है कि पहला लेयर कौन सा होता है, दूसरा तीसरा, मतलब हम लोग ड्राइंग बना देंगे उसमें उसका नाम लिख देंगे बस। पहले ही लेकिन मत बैठ जियो ड्राइंग से। और यार अब लास्ट में तुम आ गए वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग डिटेल वाईफाई की तरह था ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर का है। कितने का था वो? दीदी वो बात तो मेरे हाथ में ही थी, मुझे आदत पड़ गया था। क्या यार एसिड का मीनिंग बताओ। एसिड का एसिड ही होता है। इंडिकेटर इंडिकेटर का मीनिंग बताओ। दीदी बहुत अच्छी बता रहा हूँ। अरे दीदी कितना करेंगे हम लोग पागल करना चाहते हो। टील दे रो टील। चुप कर। जबकि अपने तरफ से तो इजी दे रहे हैं। इनफ। बड़ा इजी है ना। आपकी तरफ से इजी ना, आपकी तरफ से। इनफ। हाँ जी। काउंट लिखी इनफ। साढ़े छः बजे इनफ हो गया। उसके चौथा लिख दो लास्ट अमंग। अमंग हाँ ये कल ही लिख के लाए, ये कॉपी में करें। इनके लास्ट जितने पढ़ेंगे आज। मैंने आज काम नहीं किया था ये बात का। इंडिकेटर और पेज अपने कॉपी का पीछे से लास्ट दो पेज छोड़ कर खोलूँ चाहे बोल दो। नहीं पांच पेज लास्ट के तीसरे पेज से। इसको नींद क्यों आता है? लोली लोली है। सोती होती रात में। मान ली 450 नंबर आया, कितने में से? 600 में से। 600 में से परसेंटेज बताओ। 600 में से 450 आया है। निकालो परसेंटेज। 68 इंग्लिश में आया उसका। 72 मैथ्स में आया। 95 बहुत तेज बच्चा था। SST में आया। मेरे आ जाए ना। SST में उसका आया 60%। ये तो उल्टा बेवकूफ है। सिंधी में ज्यादा आने चाहिए। चुप करना। अरे मैं मेरा बनावटी है ना। कितने परसेंट आएंगे? 45। अब इसमें तुम बताओ कि उसके टोटल परसेंटेज कितनी आई। परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालनी है? हाँ। दीदी छोटे मोटे काम होती रहती है। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर नहीं निकला ना बेटा तो बहुत मारू। नहीं सोची थी हल्का फुल्का है ना। अब देख तू कैसे फुटेगा। ऐसे सही निकाल दो। हो गया हो गया। अभी इसको टेस्ट नहीं है। इसका क्या बोलूं मैं? दीदी आपने संस्कृत का लग रहा नंबर ही नहीं। खड़ी हो चल। ABCD सुना तेरा ऑरल टेस्ट है। हां सुनाई नहीं दे रहा। हां देख आंख बंद कर और धड़ल्ले से बोल दे ABCDEFGH पूरा बोल दे। चल आंख बंद करो और ये ऐसे क्या कर रही? सीधी खड़ी। हाँ बोलो दीदी। एक मिनट आँख बंद कर दीदी। एक मिनट सुनाओ ABCD। हाँ क्या है वो? क्या राहुल के? राहुल के अंक 100 में से, मतलब एक एक सब्जेक्ट 100 अंक का होगा। 100 में से इतना, फिर 100 में से इतना, 100 में से इतना। जल्दी करो परसेंटेज निकालो। फाइंड परसेंटेज। अब ABCD सुना दो। नहीं देख लियो ना ये। हाँ हाँ थर्टीज। हाँ 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 ई के बाद फिर से बी एफ जी एच आई जे K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और ये जित मिटा दूँ ना।
अब तुम्हें रुको, आज तुम्हें ABCD सीख के यहाँ से जाना है, वरना घर नहीं जाना, ठीक है? टी तक सिखा रखा है ना, टी तक तो तुझे आता ही है। चल ये ले, और ऐसे ABCD ऐसे कर करके पढ़ो। चल पढ़ो, बोलना, आवाज नहीं निकल रहा मुंह से, ऐसे नहीं। चल ए पे रख, बोल ए बी डी, कहाँ है डी? हाँ तो आगे क्यों जा रही है? डी कहाँ है? वो डी है, वो डी है, डी पर रखो, डी पर रखो, उठ नहीं रहा। हाँ हाँ, ई कहाँ है? ई कहाँ है? उधर देखो ना, मेरे चेहरे पर नहीं लिखा। ई, F for fish, कहाँ है F? उस पे दिखा, उस पे कहाँ है F? कहाँ है? हाँ good, G पे आ गई फिर। हाँ F, उसके बाद मेरी तरफ मत देख, उधर ही देख बस। G for gun, H for hand, I for ice cream, J for joker, K for kite। हाँ अब हाथ से, अब हाथ से हाथ पहुँच जाएगा तेरा। डंडे को नीचे रख, अब हाथ से बताओ। हाँ के, हाँ गुड। एल फॉर लायन, हाँ गुड, हाँ गुड। एन फॉर नेस्ट, हाँ। फिर ओ फॉर ऑरेंज, हाँ। फिर पी फॉर पैरट, Q for queen, R for rose, दीदी। S for sun, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का डाल दो। हाँ डाल दो, क्वेश्चन उतारेगा तो मैं देख ही लूंगी। T for tiger, तो क्वेश्चन कहाँ से आप देखोगे? क्या ये पेज नहीं लूंगी मैं, ये पेज नहीं लूंगी मैं, उसका ले लेना फिर। मेरा दीदी मैंने कहीं पे भी ले लिया। दीदी 100 को लगाते हैं। हाँ दीदी, नहीं मैंने सही किया है सारा, बस ये ना मैंने इधर अभी याद हो गया। अब चलो लिखो कॉपी पे, पकड़ो आराम से। चलो मेरा हो गया, मैंने संधि विच्छेद का कर लिया। 72 था, 95 था, है ना? फिर 60 था, 45 था, पांच में था, और एक एक सब्जेक्ट का कितने मार्क्स था? 100 नंबर में से 100 में से था, 72। तो यहाँ देखो ना, 100 में से 60, 100 में से 45। हाँ तो मतलब पांच, अगर पांच सब्जेक्ट है तो पांच से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को कितना आ जाएगा? 500 आ गया। इन सबको ऐड कर दो, 5 5 10 2 12, 12 और 8 20, 20 का वही सेम आया ना, ठीक है। फिर 6 और 9 15 15 और 15 7 15 7 कितना होगा? 15 7 22, 22 और 6 22 और 6 28, 28 और 4 28 और 4 32, और 2 34, 340 ही आ गया, 340। अब मैंने क्या बताया था, जो टोटल जितना होता है ऊपर उसको नीचे रखते हैं, और 340 को ऊपर रखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। 0 से 0 कटा, 5 5 5 0 लास्ट में, मतलब 5 से कट जाएगा। 5 5 5 36 कहीं भी आया ले ले, नहीं 340 नीचे कर दिया, 500 और 100 को ऊपर कर दिया, ये ना गड़बड़ सब इसी तरह। दीदी अगर नहीं निकलता ना तो यही सब प्लस करके 5 से डिवाइड कर देते, ये ऊपर मैं तभी तो इसको काट रहे, देखा है ना बराबर वाले, मैंने बता रखा है कभी कटता नहीं है, और इसके साथ में होता तो कटता, वो तो मल्टीप्लाई होता है ना, ये ऊपर है तभी तो कट गया, ठीक है। अपना भी इसी तरह निकाल के बताना,
ठीक है मैं बताऊंगा आप तुम बताओगे मेरे को नहीं बताओगे पहले ही बताओ कि जो टोटल नंबर आएगा 6 से डिवाइड होगा 5 से बेटा इस बार अगर तू 10th क्लास का रिजल्ट आया और रिपोर्ट कार्ड के साथ नहीं आया ना यहाँ से मैं भगा दूंगी अगर इंग्लिश में तुम्हारा 52 आया हिंदी हो गया इंग्लिश हो गया मैथ में तुम्हारा 59 आया और एसएसटी में तुम्हारा 68 आया अरे दीदी क्या ऐसे नंबर आ जाए तब भी तो लाइफ बन जाने हो जाएगी अरे राम ये तो अच्छे मार्क्स लग रहे हैं अरे हमें भी तो अच्छे ही है मेरे सब में 20-20 ज्यादा था 10-20 ज्यादा मार्क्स आया था सब में 10th क्लास में ए साइंस का बता दो साइंस में तुम्हारा 58 अरे दीदी इतने आ जाए तो आगे मुझे भी सकता है संस्कृत का भी दे दूँ क्योंकि 6 निकालेगा ना दी टोटल जो नंबर आता है असलियत में उसको 5 से डिवाइड करते हैं 6 से जितने सब्जेक्ट होंगे उतने देना हां नॉर्मल सी बात है संस्कृत का लिख लो 89 में से कम सॉरी 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 निकालो परसेंटेज फाइन परसेंटेज मान लो कोई घर है ठीक है अगर छत का दे रखा है ड्राइंग तो वो कहां से दिख रहा है वो टॉप से अगर घर के आगे का दरवाजा वगैरह दिख रहा है तो वो कहाँ से फ्रंट से और अगर ऐसे दीवार एक दिख रहा है तो साइड से याद रहेगा अगर पेपर में एक फिगर आ जाए मान लो बोतल का ढक्कन आ जाए तो कहाँ से दिख रहा है सामने फ्रंट से साइड से या फिर टॉप से ठीक है याद हो जाएगा समझ आ गया हो जाएगा पेपर में दीदी उससे तो ज्यादा ही आए मेरे मार्क्स है से ज्यादा है पहले वाले से 340 आए थे उसकी मेरे चार इतना समझाई प्यार से और फिर भी बैठी हुई है और शायद वेट कर रही कि मुझे नींद आ जाए ताकि मैं सो जाऊं बेटा बहुत मार खाओगी सोच के ना इचका के मारेंगे क्या हुआ टाइम बर्बाद करने गया था नहीं टाइम खर्च करने गया था ये एडिशन है ये सब्ट्रैक्शन है लाओ 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 अभी ला इधर ला इंजीनियर बन रहा है वो फिर गिरेगा गिर गया तो गिरा रहा है तो गिरेगा नहीं है पागल हाँ